वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एडवांस का पोर्शन था वो हम ट्रिग्नोमेट्री लिया था। ट्रिग्नोमेट्री का हमने दो पार्ट करा चुके हैं, आज पार्ट थ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हमारे क्वेश्चन कम से कम 10 से लगा के 20 के क्वेश्चन के बीच में होंगे। तो आपको क्या करना है, आप हमारे पार्ट वन में जाइए, पार्ट टू में जाइए, आपको ऐसी मैथ कम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई जाएगी, चाहे SSC CGL हो, SSC 10+2 जो अभी फार्म आया हुआ है उसको आप भरिए, उसके बाद चाहे CDS को हो, तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको शुरुआत से पाई जा रही है और बेसिक मैथड बताए जा रहे हैं, आपको कोई ट्रिक नहीं बताई जाएगी, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में हमारे ट्रिक इतने क्वेश्चन हो जाते हैं कि एग्जाम हॉल में हम ट्रिक यूज नहीं कर पाते और कन्फ्यूजन हो जाता है और आंसर के कहते हैं कि गलत हो सकता है। तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। पहले हम हाई चलेंगे, पहले हम बेस बनाएंगे, उसके बाद हाई क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। आपको डेली रेगुलर हमारी वीडियो को पूरी देखना है, इतनी बड़ी हमारी वीडियो नहीं रहती है कि आप पूरा नहीं देख पाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहा था साइन पाई एक्स अपान का टू इजगल टू, क्या दिया है, एक्स अपान का टू इजगल टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू। इसमें यह था ऑप्शन हमारे क्या था, कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। आपको हम ऑप्शन से लेकर ही बताएंगे कैसे, ऑप्शन से लेकर हम 10 से 8 से 10 सेकेंड में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे ये हम आपको बताएंगे। बहुत ईजी है और आपको करना होगा, तो आप भरवाइए मत, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि SSC CGL मई में लग गया है और 10+2 का भी फॉर्म चल रहा है। अगर आपने सही से पढ़ा तो आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं भी किसी भी बुक से लगाइए, सब आपको हो जाएगा। तो क्या है हमारा जो था, हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन पाई एक्स अपान का टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस टू, ऑप्शन क्या देगा। ऑप्शन को हम बार बार बताते हैं, क्या है हमारा ऑप्शन, एक जीरो है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, एक वन है, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, माइनस वन है, और हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, हमारा चौथा ऑप्शन है none of above। ये हमारे ऑप्शन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स साइन पाई बाई पाई एक्स अपान का टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू। तो आप अगर हम देखिए, हम ऑप्शन उठा के देखेंगे, अगर हम जीरो ले लेंगे ये जीरो, तो ये जीरो इक्वल नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर तीन सेकेंड उठा के देखेंगे, एक्स की वैल्यू हम अगर ले लेंगे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ वन ले लेंगे, तो साइन पाई बाई टू, मतलब साइन पाई बाई टू का मतलब होता है 90 अंश, और साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, वन। इधर हम चेक करेंगे, इधर हम करेंगे वन की वैल्यू, इधर हमारा वन आ गया, इधर क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन माइनस का टू प्लस का टू। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वन जो हम ऑप्शन से वैल्यू उठाए थे वो बिल्कुल सही है। देखा होगा आपको मुश्किल से 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, आप वैल्यू याद कर लीजिए क्या था हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। तो हम बहुत इजी तरीके से आपको हम बता रहे हैं, आपको मैथ बिल्कुल 50 में 50 जो के कहते हैं कि हमारा 10+2 है या SSC है, वो 50 में 50 आप कर लेंगे। तो अब बिल्कुल इजी तरीके हैं। तो क्या है, हमने अगर x की वैल्यू 1 ले लें, यहाँ 1 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 होगा, और साइन पाई बाई 2 मतलब 90, और 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। इधर भी हमने रखा तो 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 जो हमने लिया था वो बिल्कुल सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक स्क्वायर थीटा
प्लस का टाइन स्क्वायर थीटा सेवन बाई ट्वेल्व क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टाइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस लगा हुआ है और टाइन लिखा हुआ है, तो प्लस का टाइन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेवन बाई ट्वेल्व हमें फाइंड करके क्या लाना है, हमें फाइंड करके लाना है सेक की पावर फोर थीटा और माइनस का टाइन की पावर फोर थीटा, इसकी हमें वैल्यू मालूम करना है। तो हम फिर से बता रहे हैं क्या है, हमारा क्वेश्चन गिवन था सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टाइन स्क्वायर थीटा इजगल टू सेवन बाई ट्वेल्व, हमें लाना क्या है, हमें लाना है सेक की पावर फोर थीटा माइनस का टाइन की पावर फोर थीटा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको हम पहले देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का टाइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टाइन स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टाइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब ये लिखा हुआ है, अब देखिए हमें लाना क्या था, हमें इसकी वैल्यू लाना था, इसको लिख दिया हमने सेक्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये हो जाती है वन, और हमें क्या कहते हैं कि सेक का थीटा प्लस का टाइम का थीटा की वैल्यू दे दिया है सेवन बाई ट्वेल्व, तो क्या हो जाएगा वन इंटू सेवन बाई ट्वेल्व, यही हमारा आंसर होगा, कहने का मतलब सेवन बाई ट्वेल्व। तो एक बार फिर समझा दें आपको, ये हमारा गिवन था, हमें ये वैल्यू लाना था, तो सेक का थीटा माइनस टाइम का थीटा हम क्या लिख सकते हैं, सेक का थीटा और माइनस टाइम का थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब ये वैल्यू वन हो जाती है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे दिया है सेवन बाई ट्वेल्व, आंसर रखेंगे तो हमारा सेवन बाई ट्वेल्व आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आज का। नोट करते हो क्वेश्चन, चले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। फाइव लिखा हुआ है, फाइव सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू वन माइनस वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ये था। अब देखा हमने इसके पहले जो भी ये तीसरा क्वेश्चन था, इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में सभी फार्मूले आपको हमें लिखाए थे, प्लीज जाकर देखिए, अगर आपको मैथ एडवांस सीखना है तो आप प्लीज जाके वहां देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे, वन वन अपान का सेक का थीटा क्या होता है, कॉस का थीटा, तो फाइव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का थ्री साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, ये फाइव लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फाइव साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ से फाइव कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहे इधर लिखो, प्लस का है कोई मतलब नहीं होता, तो फाइव और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है वन, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइव इंटू वन मतलब वन। तो आपको देख रहे हैं तो आपको केवल फार्मूला याद करना होगा, और बस एडवांस में मैं बता रहा हूँ, आप एडवांस में डरिए मत, आर्थमेट्रिक में डरिए मत, मैथ में आप धीरे धीरे हमारे साथ चलिए, आप लोगों का काम क्या है सही से ये नोट्स बनाते हो, चलिए बार बार बोलते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या लिखा हमने, लिखा फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, फाइव सेक्स का थीटा था, इसको हम ऊपर ले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
इसको क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 2 5 और 5 कॉमन ले लिया, अब फार्मूला बन गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, वन अपान कॉट थीटा प्लस वन अपान का कॉट थीटा और वन माइनस का कॉट थीटा और वन माइनस का कॉट थीटा, ये था, कह रहे थे इसकी वैल्यू लाना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्या है, वन अपान का कॉट थीटा प्लस का वन अपान का कॉट थीटा, वन अपान का कॉट थीटा ये इंटू लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, और वन माइनस का कॉट थीटा। तो देखिए ये क्या बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का वन अपान का कॉट स्क्वायर थीटा। अब समझ लीजिए, अब वन अपान कॉस क्या होता है, वन अपान कॉस क्या होता है, सेक, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वन अपान कार्ड क्या होता है, टाइम स्क्वायर थीटा। तो हमारा हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टाइम स्क्वायर थीटा, क्या जानते हैं हम, वन, आंसर हमारा वन आ जाएगा। देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन इजी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हम एक लेते हैं, ये सभी हमारे पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा था कॉस स्क्वायर 20 प्लस का कॉस स्क्वायर 70, कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन 2016 में प्री में आया हुआ है, क्या है हमारा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 70, इसकी हमें वैल्यू बताना है। तो आपको हम चेंज कराना बताया था, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 20 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 20, लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 20 प्लस 90 माइनस थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एंगल जब सेम होते हैं, स्क्वायर में होते हैं साइन कॉस, तो आंसर उसका क्या आ जाता है, वन आ जाता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, वन होगा। फिर से हम समझते हैं क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 20 प्लस का कॉस स्क्वायर 70, तो इसको हमने क्या है, दोनों सेम होंगे तभी हमारा ये वन होगा, तो क्या इसको हम ऐसे रहने दिया, इसको हमने चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर 70 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20। अब क्या लिखा हमने, कॉस स्क्वायर 20 प्लस का साइन स्क्वायर 20, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा वन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स है, टाइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू, क्या फाइंड करना है वैल्यू, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉट थीटा अपान का 2 साइन थीटा,
थ्री साइन थीटा, सॉरी थ्री साइन थीटा माइनस का टू का थीटा। इसके दो तरीके हैं, आप दोनों तरीकों को करके ट्राई करके देख लीजिए, दोनों तरीके से आ जाएगी। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह कि साइन थीटा कॉमन ले लेंगे या का थीटा कॉमन ले लें आप। तो का थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसके ऊपर से का थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री जिससे कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन अपन कास क्या हो जाएगा, टाइम प्लस वन अपन नीचे भी इसी तरह हो जाएगा। तो थ्री टाइन थीटा वन माइनस टाइन थीटा माइनस टू। अब देखिए नीचे से भी हमने कास थीटा कॉमन ले लिया, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कास से कास कैंसिल हो जाएगा। टाइन थीटा के वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थ्री इंटू टाइन थीटा की वैल्यू होती है 4/3 प्लस वन अपान का थ्री इंटू 4/3 माइनस का टू, सॉरी टू चल रहा है यहाँ, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 2 6, नीचे क्या आ जाएगा हमारा टू, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा थ्री, क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा सी आ जाएगा। या हम साइन थीटा के यहाँ वैल्यू ले सकते हैं, कॉट थीटा के वैल्यू ले सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा था साइन थीटा प्लस का कॉस कॉसेक थीटा इजगल टू हमारा टू है, ये हमारा गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है, क्या हमें वैल्यू फाइंड करना है, कॉस की पावर एन थीटा, सॉरी साइन की पावर एन थीटा प्लस का कॉसेक की पावर एन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिया है, तो साइन की पावर एन थीटा और कॉस की पावर एन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हमें एन एन से नहीं जाना है, हमें एन कोई जो भी हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है, हम अगर का थीटा की वैल्यू 90 ले लें, 90 ले लें तो वन और वन कितना हो जाएगा, वन और वन थीटा की वैल्यू 90 ले लें तो वन और वन कितना हो जाएगा टू, यहाँ भी वन और वन कितना हो जाएगा हमारा टू, तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको समझ में आ गई होगी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा इक्वल टू टू, तो हमें फाइंड करना है कि साइन की पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 100 थीटा, चाहे जितना हो चाहे 100 हो चाहे एन हो, अगर यहाँ टू है तो यहाँ अगले वाले में भी टू आएगा, तो आंसर आपको बिल्कुल राइट है, आंसर क्या है बिल्कुल सही है, चाहे साइन थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू टू है, तो साइन की पावर 100 थीटा और कॉसेक की पावर 100 थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी टू हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा था साइन की पावर 47 अपान कॉस की पावर 43 का होल स्क्वायर माइनस प्लस कॉस की पावर कॉस 43 अपान साइन 47 स्क्वायर, फिर का माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 45, 4 कॉस स्क्वायर 45। ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हम एक बार फिर देख लें। क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन की पावर साइन 47 अपान का कॉस 43 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर कर इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं। साइन 47 अपान इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 47, बात वही हो गई, का होल स्क्वायर प्लस इसको भी हम लिख लिखेंगे कॉस 43 अपान का साइन 90 माइनस 47 का होल स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर 45। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 47, नीचे हो जाएगा हमारा साइन 47 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 अपान का कॉस 43 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1 अपान का √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सेम हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, 1 के स्क्वायर पे 1 ही होता है, 1 प्लस 1। अब देखिए ये क्यों हो जाएगा 4, ये क्यों हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे 1 पाई 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इधर 2 इधर 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या है, साइन स्क्वायर 22, ये क्वेश्चन हमारा 9 होगा, साइन स्क्वायर 22 प्लस क्या था कॉस साइन स्क्वायर 68, फिर क्या था कॉट स्क्वायर 30। लोग कहते हैं, बहुत जगह आपने सुना होगा कि एडवांस मैथ बहुत कठिन होती है, एडवांस मैथ कठिन नहीं होती है, उसका बेसिक आपको पकड़ना होगा। तो आपने अगर बेसिक पकड़ लिया तो ये जीएस इंग्लिश सभी सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट है, और इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हाँ क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन था, तो हमें ये क्वेश्चन था, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए साइन स्क्वायर लिखा हुआ है 22, स्टूडेंट क्या करते हैं दोनों को चेंज करना, दोनों को चेंज करने का प्रयास करते हैं, दोनों को नहीं चेंज करना, इसको चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या करेंगे 68 आ जाए, तो 22 इसमें माइनस कर देंगे। और ये देखिए कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट स्क्वायर आपको 30 की वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब देखिए कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या होती है अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इधर साइन स्क्वायर कितना है हमारा 22 है प्लस, अब देखिए जब इसको हमने किया तो इसमें चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 प्लस 3, अब देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, अब हम जो भी कराएंगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे, तो
तो आपको कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है चैनल को, शेयर करना है कि ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं घर में, जितने भी गांव में गर्ल्स हैं, या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, शहर नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम गाइडेंस और अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट दिया जाए कि आपको फायदा हो एग्जाम हॉल में। तो आपको सही से पढ़ना है, हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, तो आप सही से पढ़िए। हमारी यही क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक तो बताइए चैनल को। तो ये टेक्नोमेट्री चल रही है, डेली टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, 300 क्वेश्चन हम टेक्नोमेट्री कराएंगे आपको। बहुत ही जल्दी हम अपने वीडियो को लॉन्च करेंगे, मतलब बड़ी करेंगे, ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो हम यही सोच रहे हैं कि आप देखते होंगे वीडियो और सही से देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा, अन्यथा नहीं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए बी स्टडी चैनल।